इसीलिए उनको आई क्यू के साथ ई क्यू इमोशनल, एम क्यू मॉरल, एस क्यू स्पिरिचुअल, ये चारों भी कितना जरूरी है। तो इसके ऊपर हम लोग अभी हम लोग मतलब कि नैतिकता क्या है इस विषय पर हम लोग बात करेंगे, क्रोध क्या है इस विषय पर। हाँ ठीक है, सकारात्मक चिंतन हो गई उसे। ठीक है, एक नंबर हो गया अपन नैतिकता के बारे में। नैतिकता मतलब आज के जमाने में मानव की नैतिकता क्या है, क्या है और क्यों जरूरी है और क्यों खत्म हो रहे हैं और उसके लिए क्या करें। उसके बाद दूसरा ये जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का जो केंद्रीय ऑफिस कहा जाए ना, तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में तो इस तरह से, और बाकी हर देशों में पूरा देश विदेश में हर जगह पर इसकी शाखाएं हैं और वहां से ये कारोबार करता है। वहाँ में जो हमारा पूरा इतने। नमस्कार आदरणीय श्रोता, विवेक र चेतनाको सेतु तपाईँको आफ्नै समाजको दर्पण संस्कारकम 95.6 मेगाहर्जको कार्यक्रम संस्कार बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। संस्कार बहस कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तुमाथि कुराकानी गर्छौँ र समसामयिक विषयवस्तुमाथि हाम्रो छलफल हुन्छ। आज हामी यहाँलाई जानकारी गरौँ, आज हामी ब्रह्म कुमारी राज्य सेवा केन्द्रमा धेरै दिनसम्म आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुभएको र खास गरी जीवनमा शान्ति नैतिकता र अनुशासन भनेको के हो त यस विषयमा आज हामी राजयोगी ब्रह्म कुमार भगवान भाइजीसँग छलफल गर्नको लागि उहाँलाई हामी स्टुडियोमा निम्तो गरेका छौँ। उहाँको सेवा स्थानले कुरा गर्दाखेरि जन्म भएको थियो र 1982 एउटा रद्य किताबबाट परमात्माको परिचय पाइसकेपछि यससम्म 1987 ईश्वरीय सेवामा समर्पित रहनुभएछ र आरम्भ 8 वर्षसम्म दिल्ली पाण्डोमा एक कामको सुरुवातपछि शान्तिवनमा सुरुवातपछि अहिलेसम्म उहाँ निरन्तर रूपमा आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। उनले 5000 स्कुल र 800 जेलमा संस्कार परिवर्तन, नैतिक मूल्य र सकारात्मक परिवर्तन के हो त यस विषयमा धेरै ज्ञानका कुराहरू, नैतिकताका कुराहरू सिकाउनु भएको छ र आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। कि नैतिकता खतम हो गई, ये समाज एक राक्षसी वृत्ति वाला बन सकता है, इस समाज में रहना खाना पीना बड़ा मुश्किल हो सकेगा। इसीलिए सहनशीलता, नम्रता, मधुरता, धैर्यता, सत्यता, ये वास्तव में एक गुण है नैतिकता। लेकिन आज नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है और इसीलिए समाज में प्रॉब्लम्स, आज शारीरिक प्रॉब्लम्स, मानसिक प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम, उन सब का कारण है नैतिक मूल्यों की कमी। आज जितनी भी बीमारियां हो रहे हैं, जब व्यक्ति निगेटिव सोचता है, सहन शक्ति नहीं है, इसे व्यक्ति के दिमाग में केमिकल तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन योग्य डॉक्टर, योग्य नेताएं, योग्य व्यापारी नहीं, क्योंकि मूल्यों की कमी के कारण आज भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहे हैं, समस्या बढ़ती जा रही। अगर बचपन से स्कूलों के द्वारा बच्चों के अंदर मूल्य दिए जाए तो वही बच्चों के संस्कार अच्छे बनेंगे और समाज एक अच्छा बन सकेगा। इसीलिए आज मूल्यों की जरूरत है। आज स्कूलों में केवल बच्चों की आईक्यू बढ़ाई जाती है, मेरे स्कूल में कितने बच्चे पास हो गए, कितने उनको अच्छे मार्क मिले, केवल आईक्यू बढ़ाना यही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्रवान बनना। शिक्षा का उद्देश्य क्यों, मूल्यों को नहीं सीखा, इसीलिए समाज में जाकर के कोई अपराध हो गया, इसीलिए जेलों में बैठे। इसीलिए इन बच्चों को IQ के साथ EQ, MQ, SQ, EQ means emotional भावना, देश के लिए, समाज के लिए, और MQ means moral नैतिकता, सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, SQ means spirituality। आज उन बच्चों को मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सभी क्वेश्चन के जवाब फटाफट दे देते हैं, चंद्रमा पर कौन गया, कौन से प्रदेश में कौन से बरसात होते हैं, कौन से देश में क्या प्राणी होते हैं, सब ज्ञान उनको पता है, लेकिन उनको पूछता हूँ कि आपको इसके कारण से तमाम कुरीतियां जो आ रही है ये है कि इसका और कोई कारण है जिसके कारण से बच्चों लोग इंसान लोग भटक जा रहे हैं, क्या कारण देखे हैं आप? कारण तो कई कारण है, लेकिन मुख्य आज के युवा पीढ़ी अनैतिकता के तरफ जा रहे हैं,
उसके मुख्य चार पांच कारण है। एक तो संगत गलत, अगर वो बच्चे गलत संगत में चले जाते हैं, कहते एक मछली पूरा तालाब को गंदा करती है, तो इसलिए ये वो बच्चे जब गलत संगत में जाते हैं तो दोस्तों के प्रभाव में आकर के व्यक्ति गलत काम करता है। तो इसलिए मैं कई जेल में जाता हूँ, कई मुझे पूछते सर मैंने कोई गलती नहीं की, मैं निर्दोष हूँ। हमने उसको बड़े चोरी छिपे उसको पढ़ा जाता था, लेकिन आज खुलेआम से आज वो सिनेमा थिएटर में तो एक फिल्म मिलती थी, लेकिन हर इंसान का आज ये भी सिनेमा थिएटर बना हुआ है, उसके अंदर इंटरनेशनल फिल्म। और इसीलिए आज युवाओं के अंदर नैतिकता खत्म हो रही, क्योंकि आज पाश्चात्य संस्कृति को सिनेमा टीवी और साथ में इंटरनेट के माध्यम से देख रहे, व्हाट्सएप के माध्यम से ये बातें आ रही, और इसीलिए आज के युवकों के ये संस्कार बिगड़ती जा रहे। इसीलिए सिनेमा, सिन मतलब पाप, माँ मतलब मदर, आज पाप की माँ है सिनेमा। देखो अच्छी चीजें था, लेकिन आज घर घर में रावण पैदा होते जा रहे। इस तमाम चीज को निराकरण करने के हेतु अभी इस देश में या पूरे भारत में या पूरे नेपाल में या पूरे संसार की बात की जाए तो क्या चीज की जरूरत आप देख रहे हैं? इसके अंदर इसका एक ही इलाज है, आध्यात्मिकता। जब तक व्यक्ति मेरे लिए इस संसार में जीने के लिए क्या नियम है, क्या संयम है, मेरे आंखों के देखने के लिए क्या नियम है, बोलने के लिए क्या नियम है, मेरे मन के क्या नियम है, ये हमें मिलता है आध्यात्मिकता से। आज व्यक्ति देरी से उठेगा, अखबार पढ़ेगा, टीवी देखेगा, निगेटिव से शुरुआत हो जाती है, और इसीलिए आज प्रॉब्लम्स है। इसीलिए अपना करके यहाँ सत्य बातें, हम सभी एक धर्म के हैं, हमारा धर्म कोई अलग नहीं, हम सब आत्मा है, चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो वो एक आत्मा है, और सब हम आत्मा भाई भाई है, एक ही पिता परमात्मा के, निराकार परमात्मा के बच्चे हैं। जब तक लोगों में ये भावना नहीं आएगी, तब तक ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन विकारों के ऊपर हम जीत प्राप्त है। ये विकार मानव के दुश्मन है, विकारों के कारण आज प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसीलिए आज वर्तमान समय इन विकारों के ऊपर जीत प्राप्त करने की जरूरत है। जैसे फिलहाल आपने धर्म की बात उठाई, अभी तो कल से घटस्थापना शुरू हुआ है दशहरा का, बड़ा लाभ मिल सकता है, मानव की उन्नति हो सकती है। आज जो भी कुछ त्योहार है ये परमात्मा ने इस सृष्टि पर किए हुए कर्तव्यों के यादगार है। जैसे घटस्थापना की, उसमें बीज बोए जाते हैं, कल जैसे हमने सभी ने बीज बोए, तो वास्तव में कौन से बीज, हम एक श्रेष्ठ कर्मों के ऐसे बीज बोए, और इस 9 दिन में हम मेहनत करते हैं फिर वो अच्छी फलीभूत होता है, उगता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन रूपी जीवन में कुछ ऐसे बीज बोए, कोई दृढ़ संकल्प लें, जिसके कारण हमारे अंदर शक्ति आएगी। जैसे नवरात्रि मनाते, नवरात्रि अर्थात सहन शक्ति, परग्नि, अगर सुनाओ तो आज के युवकों को बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत मिल सकता है। मैं वैसे तो एक साधारण परिवार में रहता था, महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक छोटा सा गांव है, और गांव में भी नहीं, खेती बाड़ी में रहते थे, हमारे माँ बाप बकरी चराते थे, तो मैं भी 11-12 साल तक तो बकरी चराता था। लेकिन एक दिन मन में आया कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, तो मैंने सोचा मैं पढ़ा लिखा ही नहीं, क्या कर सकता हूँ, तो मैं 11 साल के बाद क्या किया, स्कूल में जाना प्रारंभ किया। हमारे घर से गांव 1 घंटा दूर था, तो मैंने पैदल पैदल वहां गया, तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए, हमने कहा सर मुझे पता नहीं, कोई बात नहीं कल से आओ। तो दादी प्रकाशमणि दादी जानकी जो हमारी संस्था की मुख्य है प्रशासिकाएं, तो वो नहीं पढ़ा रहे, पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। जब तक हम अपना रिश्ता परमात्मा के साथ नहीं जोड़ते, तब तक हमें ताकत नहीं मिलेगी, बल मिलेगा नहीं, क्योंकि आज हम जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं समाज में दुनिया में, तो आज वो सभी अपने में फंसा रहे, और जब तक व्यक्ति में बुद्धि जाएगी ताकत नहीं मिलेगी, ताकत में, क्योंकि हर व्यक्ति बंधन में है, हर व्यक्ति इन विकारों के जड़ में। अगर एक परमात्मा को याद करेंगे उससे बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, और तब हमारा अच्छा टी फॉर टॉलरेंस, सहनशील बनाना। आज पहले जमाने में बच्चों को कुछ नहीं आता था, टीचर बुला करके उसके हाथ पर छड़ी मारते थे, क्यों, हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते, जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाते, इसीलिए कहते भी थे छड़ी लगे छम छम
विद्या आई गम गम। लेकिन आज किसी बच्चे को छड़ी मारो कहेंगे सर बाहर आओ बताऊंगा, फिर क्यों सहन शक्ति नहीं। तो इसीलिए उन बच्चों को, क्योंकि आज हम भोजन भी खाते हैं वो भोजन केमिकल डाला जाता है और इसके कारण ना सब्जियां, इसीलिए मन में भी ताकत नहीं शरीर में भी ताकत। तो कहने का मतलब आज जो शिक्षा है, शिक्षा का मूल उद्देश्य, सोने के महल थे, सबको खाने पीने के लिए कोई कमी थी नहीं थी, कंचन काया शरीर था, क्यों हमारे अंदर गुण अच्छे थे, वैल्यूबल थे हम। और उसके बाद हमारे अंदर जब दुर्गुण आ गए, ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या घृणा नफरत, ये सब विकार आ गए, प्रकृति तमो प्रधान बनी, मानव तमो प्रधान बन गया, सब कुछ तमो प्रधान बन गया। इसीलिए गीता में भी वचन दिया है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानी होती भारत, जब जब धर्म की ग्लानी होगी, और भारत की बात नहीं अब सारे दुनिया में धर्म की ग्लानी है, कोई धर्म का तो राय नहीं, और धर्म की बातें को हम अपना आचरण में नहीं है, और इसलिए परमात्मा